बहुत सारे लर्नर कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि एग्जेक्टिव्स की डिग्री कैसे बनाते हैं। यानी जैसा कि आपको पता है, एग्जेक्टिव्स के 3 डिग्री होते हैं। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। तो अक्सर लर्नर पूछते रहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि किस वर्ड का कैसे कंपैरेटिव डिग्री बनाए या सुपरलेटिव डिग्री बनाए। तो आइए फ्रेंड्स, आज इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव्स यानी वो वर्ड्स जिससे किसी इंसान के बारे में पता चलता है, यानी किसी नाउन के बारे में पता चलता है कि ये नाउन ऐसा है या वैसा है। यानी हर वो वर्ड्स जो किसी नाउन के बारे में बताए कि ये नाउन ऐसा है या वैसा है, उसे हम एग्जेक्टिव्स कहते हैं। एग्जेक्टिव्स क्या हैं, ये कितने तरह के होते हैं, इस पर मैं एक पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है और आपको ये बात पता है। अगर बात हम इनकी डिग्री की करें, तो एक एग्जेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST जोड़ा जाता है। जैसे वर्ड फास्ट एक एग्जेक्टिव है और इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा फास्टर और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा फास्टेस्ट। अगर हम इनकी मीनिंग की बात करें, तो फास्ट का मतलब होता है तेज, जबकि फास्टर का मतलब होता है अधिक तेज या ज्यादा तेज। और अगर हम बात सुपरलेटिव डिग्री की करें यानी फास्टेस्ट की करें, तो इसका मतलब होता है सबसे तेज या सबसे ज्यादा तेज। और यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब भी आप सेंटेंस में एक सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, तो आप उसके पहले द का इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो आपने सीखा कि एक एग्जेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उस वर्ड में ER जोड़ देते हैं, या सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें EST जोड़ देते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ अलग अलग कंडीशन है। तो आइए एक एक करके इन सभी कंडीशंस को सीख लें, ताकि आप जरा बराबर भी कंफ्यूज न रहें कि कौन से एग्जेक्टिव्स की डिग्री क्या होगी, यानी उसका कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा। तो आइए फ्रेंड्स, इस लेसन की शुरुआत करते हैं। वर्ड टार एक एग्जेक्टिव है जो अपने पॉजिटिव डिग्री में है, और इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा टालर और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा टालेस्ट। यानी आप इसे ऐसे याद करें, टाल टालर टालेस्ट। अगर हम बात पुअर की करें, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा पुअरर, जबकि इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा पुअरेस्ट, यानी पुअर पुअरर पुअरेस्ट। अगर हम बात रिच की करें, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है रिचर और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है रिचेस्ट, यानी रिच रिचर रिचेस्ट। थिक का मतलब होता है मोटा और इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है थीकर और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है थीकेस्ट। अगर बात स्वीट की करें, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है स्वीटर और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है स्वीटेस्ट। अगर बात क्लीन की करें, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है क्लीनर और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है क्लीनेस्ट। डीप मीन्स गहरा, इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा डीपर जबकि इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा डीपेस्ट। ओल्ड मीन्स पुराना या बुढ़ा और इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा ओल्डर और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा ओल्डेस्ट। कोल्ड का कंपैरेटिव डिग्री होगा कोल्डर और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा कोल्डेस्ट। ब्राइट का ब्राइटर और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा ब्राइटेस्ट। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर हम बात लॉन्ग की करें, लॉन्ग यानी लंबा, इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा लॉन्गर, इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा लॉन्गेस्ट। न्यू मीन्स नया, इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा न्यूवा और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा न्यूवेस्ट। हार्ट का कंपैरेटिव डिग्री होगा हार्डर और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा हार्डेस्ट। चीप मीन्स सस्ता, इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा चीपर और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा चीपेस्ट। आइए कुछ रूल सीख लें, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हर जगह एक पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाने के लिए ER या सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST नहीं जोड़ा जाता है। ये सच है कि ज्यादातर ये किया जाता है, लेकिन हर जगह ये नहीं किया जाता है। इसीलिए आपको कुछ रूल जानना जरूरी है। अगर आपको एक ऐसा वर्ड मिले जिसके लास्ट में हो ई, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है लार्ज, इस वर्ड के लास्ट में आया है ई, तो इस तरह के वर्ड्स जिसके लास्ट में आते हैं ई को कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सिर्फ आर जोड़ा जाता है और इनका सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ST जोड़ा जाता है। जैसे लार्ज का कंपैरेटिव डिग्री होगा लार्जर और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा लार्जेस्ट। फाइन का फाइनर
फाइनेस्ट। व्हाइट का कंपैरेटिव डिग्री होगा व्हाइटर और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा व्हाइटेस्ट। सिंपल का कंपैरेटिव डिग्री होगा सिंपलर जबकि इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा सिंपलेस्ट। आइए अब दूसरा रूल देखें। अगर आप एक ऐसे वर्ड का कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं जिसके लास्ट में कोई कंसोनेंट हो और उसके पहले एक वोवेल आया हो, जैसा कि आपको पहले से पता है कि इंग्लिश के ये सभी वर्ड्स वोवेल कहलाते हैं, यानी ए ई आई ओ यू वोवेल कहलाते हैं, बाकी इनके अलावा कंसोनेंट्स कहलाते हैं। तो अगर आपको एक ऐसा वर्ड मिले जिसका लास्ट वाला वर्ड कंसोनेंट हो और उसके पहले एक वोवेल आया हो, तो ऐसे वर्ड में ईआर या ईएसटी जोड़ने से पहले लास्ट वाले लेटर को डबल कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बिग, इस वर्ड के लास्ट में आया है एक कंसोनेंट जो है जी, लेकिन उसके पहले एक आया है वोवेल जो है आई। तो अगर आप इसका कंपैरेटिव डिग्री चाहते हैं या सुपरलेटिव डिग्री चाहते हैं तो आप वर्ड जी को एक बार और लिखेंगे, जैसे बिग बिगर बिगेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट। आप देख सकते हैं हॉटर या हॉटेस्ट में मैंने टी को रिपीट किया है। थिन थिनर थिनेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये रूल आपको याद रहेगा। आइए अब तीसरा रूल देखें। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसके लास्ट में वाई आता है, जैसे लवली इजी डर्टी लेजी। तो इस तरह के वर्ड्स का कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए वाई को आई में बदल देते हैं, उसके बाद लिखते हैं ईआर। या अगर आप ऐसे वर्ड का सुपरलेटिव डिग्री चाहते हैं तो आप वाई को आई में बदल दें, उसके बाद आप लिखेंगे ईआर। जैसे लवली का कंपैरेटिव डिग्री होगा लविया और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा लवियस्ट। इजी का कंपैरेटिव डिग्री होगा इजिया और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा इजिएस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने वाई को आई में बदल दिया है। डर्टी का डर्टिया और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा डर्टीएस्ट। लेजी का कंपैरेटिव डिग्री होगा लेजिया और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा लेजिएस्ट। हैप्पी का हैप्पिया और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा हैप्पीएस्ट। फनी का फनिया और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा फनीएस्ट। सिली का कंपैरेटिव डिग्री होगा सिलिया और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा सिलिएस्ट। हैवी का हैविया और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा हैवीएस्ट। बीजी का बीजिया और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा बीजिएस्ट। होली का होलिया और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा होलिएस्ट। लकी मीन्स किस्मत वाला और इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा लकिया जबकि इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा लकीएस्ट। आइए अब अगला रूल देखें। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उनमें ईआर या ईएसटी नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि ऐसे वर्ड्स का कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उनके पहले मोर लिखा जाता है और ऐसे वर्ड्स का सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए इनके पहले मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर इंटेलिजेंट और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है मोस्ट इंटेलिजेंट। इम्पोर्टेंट का कंपैरेटिव डिग्री होता है मो इम्पोर्टेंट और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिलायबल मिस होता है भरोसे के काबिल या यकीन के काबिल और इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है मो रिलायबल जबकि इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है मोस्ट रिलायबल। रिस्पॉन्सिबल का कंपैरेटिव डिग्री होगा मोर रिस्पॉन्सिबल जबकि इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। प्रीसियस का कंपैरेटिव डिग्री होगा मोर प्रीसियस जबकि इनका सुपरलेटिव डिग्री होगा मोस्ट प्रीसियस। रेगुलर का कंपैरेटिव डिग्री होगा मोर रेगुलर जबकि इनका सुपरलेटिव डिग्री होगा मोस्ट रेगुलर। इसी तरीके से फॉर्चुनेट मोर फॉर्चुनेट मोस्ट फॉर्चुनेट, ट्रांसपारेंट मोर ट्रांसपारेंट मोस्ट ट्रांसपारेंट, डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट, यूजफुल मोर यूजफुल मोस्ट यूजफुल। केयरलेस मीन्स लापरवाह, इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा मोर केयरलेस और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा मोस्ट केयरलेस। कुछ थोड़े ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री अलग अलग होता है, जैसे गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट। बैड का कंपैरेटिव डिग्री होता है वर्स और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है वोस्ट। इल का कंपैरेटिव डिग्री होता है वर्स और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है वोस्ट। स्मॉल का कंपैरेटिव डिग्री होता है स्मॉलर और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है स्मॉलेस्ट। आइए अब लास्ट में मैं आपको तीन और वर्ड्स के बारे में बता दूं।
राइट यानी सही, रॉन्ग यानी गलत और रियल यानी सच्चा। इन तीनों का कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आप मोर का इस्तेमाल करेंगे और इनका सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आप मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। यानी राइट का कंपैरेटिव डिग्री होगा मोर राइट और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा मोस्ट राइट। रॉन्ग मोर रॉन्ग मोस्ट रॉन्ग, रियल मोर रियल मोस्ट रियल। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर वाकई आपको यह लेसन शानदार तरीके से समझ में आया तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।